आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। विघ्न विनाशक विघ्नहर्ता भगवान गणेश 10 दिनों तक लोगों के घरों में पंडालों में रहने के बाद विदा हो गए। गणेशोत्सव 10 दिन तक चला। लोगों के द्वारा परंपरागत उत्साह धर्म भाव के साथ लंबोदर की पूजा की गई। देख सकते हैं यहाँ पर घरों घर विराजे गजानन की विदाई किस तरह से उल्लास के साथ की जा रही है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेशोत्सव का सार्वजनिक पौधारोपण किया था, वो अब बहुत विशाल रूप ले चुका है। पेशवाओं ने गणेशोत्सव को बढ़ावा दिया था। ऐसी मान्यता है कि पुणे में कस्बा गणपति के नाम से प्रसिद्ध गणपति की स्थापना शिवाजी महाराज की मां जीजीबाई ने की थी, किंतु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव को जो स्वरूप दिया उसे गणेश राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गए। भगवान गणेश राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से भगवान गणेश की पूजा परिवार तक उनके प्रयास के पहले परिवार तक ही सीमित हुआ करती थी। पूजा के बाद सार्वजनिक तौर पर भगवान गणेश को पूजा जाने लगा। सिवनी शिव की नगरी कहलाती है और शिव की नगरी में कृत्रिम तौर पर बनाए गए जल कुंडों में भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इसके साथ ही मठ तालाब में भी भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन बहुत ही सुरक्षित तरीके से किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। मठ तालाब अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। मठ मंदिर वैसे भी बहुत ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। आदि शंकराचार्य के द्वारा यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई थी। इस तरीके की मान्यताएं भी हैं कि काशी विश्वनाथ और मठ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना एक ही दिन आदि शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। दोनों का नाप भी समान ही था, इस तरीके की मान्यता भी है। देखिए कितने सुरक्षित तरीके से यहाँ पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है मठ तालाब। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। गणेशोत्सव हिंदुओं का एक प्रमुख उत्सव है, ये पूरे भारत में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव विशेष रूप से प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के पुणे की शहर का गणेशोत्सव वास्तव में जगत प्रसिद्ध है। ये उत्सव हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की चतुर्थी से चतुर्दशी अर्थात हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 4 तारीख से 14 तारीख तक मनाया जाता है। 10 दिनों तक ये उत्सव चलता है और मुंबई में लाल बाग के राजा उनकी भव्यता देखते ही बनती है। सिवनी में भी इस बार 2023 में गणेशोत्सव पर बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं रखी गई थीं। बहुत सुंदर तरीके से भगवान श्री गणेश का उत्सव मनाया गया। गणेश उत्सव के साथ में बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत धर्ममय होकर पूरे 10 दिन तक शिव की नगरी धर्ममय रही और जब गणपति बप्पा की विदाई का समय आया तो लोगों का मन भर आया, आंखें भर आईं भगवान श्री गणेश को विदाई देने। सभी पहुँचे जलकुंडों में, पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई थी और उसके साथ ही देखिए यहाँ पर कतारबद्ध हैं लोग अपने अपने घरों में विराजे गजानन को भगवान श्री गणेश को बधाई देने के लिए। प्रशासन के द्वारा पीओपी की प्रतिमाएं पूरी तरह प्रतिबंधित की गई थी, पर जिस तरीके की चर्चाएं हैं कि पीओपी की प्रतिमाएँ जबलपुर नागपुर अन्य शहरों से आकर बिकती रहीं, इस बारे में प्रशासन का कोई स्पष्टीकरण अब तक नहीं आ सका है। वैसे देखा जाए तो मिट्टी की प्रतिमाओं का ही उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि मिट्टी ही पानी में घुलनशील होती है और बाद में गणेश प्रतिमा हो दुर्गा प्रतिमा है इनकी अस्तित्व उसके अंदर नहीं रह जाता, सिर्फ वो मिट्टी अंततः मिट्टी में ही तब्दील हो जाती है। और यहाँ जब इसका विसर्जन किया जाता है तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि
निश्चित अंतराल के बाद इन जलकुंडों का, तालाब या नदियों का गाद निकालने का काम भी प्रशासन को कराया जाना चाहिए। मठ तालाब शाम का दृश्य हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला लगातार चल रहा है, जो देर रात तक लगातार ही जारी रहा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। भगवान श्री गणेश देव, भगवान शिव, देवों के देव कहलाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। भगवान गणेश की पत्नी का नाम रिद्धि और सिद्धि है। रिद्धि और सिद्धि भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। भगवान गणेश का नाम हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले लिया जाता है। गणेश विसर्जन के साथ ही अगले दिन से पितृपक्ष आरंभ होता है। पितृपक्ष 15 दिन का होता है। इस तरह की मान्यता है कि पितृपक्ष में जो दिवंगत पितर हैं, चाहे वे आपके पिता की तरफ हों या माता की तरफ वाले, जो दिवंगत हो चुके हैं, देवलोक गमन कर चुके हैं, वे इस तरीके की मान्यता है कि वे सभी पितृपक्ष में आते हैं और धरती के आसपास रहते हैं, इसलिए उन्हें पानी देने की और उनका ग्रास निकालने की मान्यताएं भी है। पितृपक्ष में सुबह सवेरे पुण्य सलीला बैन गंगा के लखनवाड़ा घाट पर पितृतर्पण का कार्यक्रम आरंभ हो चुका है। पितृतर्पण में भी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। पितृपक्ष 15 दिन का होगा। पितृपक्ष के उपरांत नवरात्र आरंभ होगी। 9 दिन फिर माता दुर्गा का शक्ति के स्वरूप का, दुर्गा माता के विभिन्न स्वरूप शक्ति की उपासना 9 दिन की जाएगी। फिलहाल गणेश विसर्जन का हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप गणेश विसर्जन होते हुए दिख रहा होगा। भगवान गणेश लंबोदर महाराज 9-10 दिन तक लोगों के घरों में विराजने के बाद अब भगवान गणेश की विदाई हो रही है। भगवान श्री गणेश की विदाई 28 सितंबर बृहस्पतिवार को आरंभ हुई। 29 सितंबर को भी कुछ जगहों पर भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन का सिलसिला जारी रहा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। देखिए यहाँ कितनी सुंदर प्रतिमाएँ आपको दिखाई दे रही होंगी। बहुत ही भक्ति भाव से लोगों ने भगवान गणेश को विराजित रखा और अब उन्हें विदाई दे रहे हैं लोग। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये खबरें कैसी लग रही हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। जय हिंद।